स्वामी विवेकानंद रचित भक्ति जग अवतार जेउठारे लोके तांकर नाम अनुकीर्तन करती सही स्थान ही पवित्र जो व्यक्ति तांकर नाम उच्चारण करती से आहुरी केते पवित्र विवेचना कर। सुतरां जहां निकट को आम आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हो निकटर केते दूर भक्तिर सहित अग्रसर होवा उचित। एपरी श्रेष्ठतम धर्म आचार्य गणों संख्या जगत रे खूब विरल सत्य, किंतु जगत संपूर्ण भाव यही सकल आचार्य विरहित नुहे। जो मुहूर्त यह संपूर्ण आचार्य शून्य हेब से ही मुहूर्त यह एक भयानक नरक कुंड रे परिणत हेब और विनाश दिगरे अग्रसर हेब। एमाने मानव जीवन उद्यानर सुचारु पुष्प स्वरूप एवं अहेतुक दयासिंधु। श्रीकृष्ण भागवतर कहते मत आचार्य बोली जान। साधारण गुरु श्रेणी ठार उन्नत आउ एक श्रेणी गुरु अच्छा ईश्वर अवतार गण। एमाने स्पर्श द्वारा एपरिकी केवल मात्र इच्छा द्वारा ही अपर भितर भगवत भाव संचार कराई पारती। इच्छा रे अति दुराचार व्यक्ति मध्य मुहूर्तक मध्य साधु रूपे परिणत हुए। एमाने सकल गुरुंक गुरु मनुष्य मानक मध्य भगवानंकर श्रेष्ठ अभिव्यक्ति। आमे माने सेमानंक मार्ग छड़ा अन्य उपाय रे भगवान को देखि पारु नाही। आमे माने सेमानंक उपासना न करी रही पारिबा नाही एवं केवल सही मानंक ही आमे उपासना करिबा को बाध्य। एही सबु नर रूपधारी ईश्वर व्यतीत भगवान को देखिबा पई आम मानंकर अन्य कोनसी उपाय नाही। आमे जदि अन्य कोनसी रूपरे तांकु देखिबा को इच्छा करू तेबे आमे गोटाए किंभूत किमाकार जीव गठन करी पकाऊ एवं एहाकु ही प्रकृत ईश्वर बोली मने करू। गल्प अछि जणे अनाड़ी व्यक्ति शिव गढ़ीबा को अनेक दिन चेष्टा करी शेषरे गोटे मांकड़ गढ़ीथिला। सेहिपरी भगवान को निर्गुण पूर्ण स्वरूप जेतेबेले आमे भाविबा को जाऊ सेतेबेले संपूर्ण अकृत कार्य होइ पड़ु। कारण जेते दिन जाए आमे मनुष्य अछु सेते दिन जाए आमे तांको मनुष्य ठारु उच्चतर बोली कदापि भावी पारिबु नाही। अवश्य एपरी समय आसीब जेतेबेले आमे मनुष्य प्रकृति अतिक्रम करी तांगर स्वरूप बोध विषय समर्थ हेबु। किंतु जेते दिन जाए मनुष्य थिबु सेते दिन मनुष्य भितरे और मनुष्य उपरे ही उपासना करिवा को हेब। जहाँ कहना काहीकि जेते चेष्टा करना काहीकि भगवान को मनुष्य छड़ा अन्य किछि भावी पार नाही। ईश्वर सम्बन्धरे जगतर सकल वस्तु सम्बन्धरे मध्य खूब युक्तितर्क समन्वित वक्तृता दे पार खूब युक्तिवादी हो पार आउ भगवानंकर एही सकल मनुष्य अवतारर कथा सबु भ्रमात्मक एहाकु एपरि भावरे प्रमाण करिपार जहिरे तुमर संपूर्ण तृप्ति हेब। किंतु सहज बुद्धिरे कौन कहिब थरे भाविल देखि एहिपरि अद्भुत विचार बुद्धि द्वारा कौन लब्ध हुए। किछि नुहे शून्य केवल केते उड़िए वाक्य आडंबर मात्र। वर्तमान ठारु जदि कणसी लोक एहिपरि अवतार पूजा विरोधरे महाजुक्ति तर्क सहित वक्तृता करुछन्ति देख तेबे तांकर हात धरी जिज्ञासा कर भाई तुमर ईश्वर धारणा कौन। सर्वशक्तिमत्ता सर्वव्यापकता एतद्विध शब्द द्वारा कौन बुझाए ताहा से एही शब्द गुड़िकर बनान व्यतीत आउ अधिक कौन बुझंती। एही शब्द मानक द्वारा तांक मनरे कौनसी भाव विशेषर उदय हुए नाही। से ये गुड़िकर अर्थ स्वरूप एपरी कौनसी भाव व्यक्त करिपारंती नाही जहिरे तांकर मानवीय प्रकृतिर कौनसी संपर्क नाही। ए विषय रे रास्तारे जो लोकटा खंडे सुधा पुस्तक पढ़े नाही ताहा सहित यहाँ किछि मात्र प्रभेद नाही।
किंतु यही लंबा चौड़ा वाक्य व्ययकारी व्यक्ति समाज रे अशांति और दुख आनयन करती। वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभूति व्यतीत धर्म धर्म नाम यज्ञ नुहे। सुतरां वृथा वाक्य व्यय और प्रत्यक्ष अनुभूति मध्य आम विशेष प्रभेद देखिबा आवश्यक। आत्मार गभीरतम प्रदेश रे आमे जहाँ अनुभव करू ताहाकु प्रत्यक्ष अनुभूति कहू। ए विषय रे सहज ज्ञान जेते दुर्लभ आउ किछि सेते नुहे। आम मानंकर वर्तमान प्रकृति जेपरी सेथिरे आम मानंकु बाध्य होइ भगवानंकु मनुष्य रूपरे देखिबाकु हेबो। मने कर महिष मानंकर भगवानंकु पूजा करिवार इच्छा ला। सेमानंकर स्वभाव अनुजाई सेमाने भगवानंकु गोटिए बृहत महिष भावरे देखिबे। मत्स्य भगवानंकु आराधने इच्छु हेले तांकु सेमाने गोटिए बृहत मत्स्य रूपे कल्पना करिवे। मनुष्यकु मध्य भगवानंकु मनुष्य रूपरे भाविबाकु हेबो। आउ मने करना जे एही सकल विभिन्न धारणा कल्पना सम्भूत मात्र। मनुष्य महिष मत्स्य एगुड़िक जेपरी भिन्न भिन्न पात्र स्वरूप समस्ते भगवत समुद्र रे निज निजर जलधारण शक्ति और आकृति अनुसारे पूर्ण होइछंती। मनुष्य ठारे एही जल मनुष्य आकार धारण कला। महिष ठारे महिष आकार मत्स्य ठारे मत्स्य आकार धारण कला। एही प्रत्येक पात्र रे सही एक ईश्वर समुद्र रो जल रही। मनुष्य जहाँकु मनुष्य रूप से देख एवं तिर्यक जातिर जदि भगवत सम्बन्ध कौन सी प्रकार ज्ञान थाए तेबे सेमाने निज निजर धारणा अनुरूप पशु आकार रे तांकु भाविबे। अतएव आमे माने भगवान को मनुष्य रूप से न देखि रही पारिबा नाही। सुतरां आम मानंकु तांकु मनुष्य रूप से ही उपासना करिवाकु हेबो। अन्य कौनसी पथ नाही। दुई प्रकार लोक भगवान को मनुष्य रूप से उपासना करती नहीं। प्रथम नर पशुगण जो मानर कौन सी प्रकार धर्मज्ञान नहीं। द्वितीय परमहंसगण जो माने मनुष्य सुलभ समस्त दौर्बल्य अतिक्रम करी मानव प्रकृतिर सीमा अतिक्रम करी जाइछंती। समुदाय प्रकृति सेमानंगर आत्मा स्वरूप होइ जाइछि। सेही माने केवल भगवान को निज निज स्वरूप रे पूजा करी पारंती। अन्य सब विषय रे जेपरी एठारे मध्य सेपरी दुईटी चूड़ांत भावे एक रूप रे देखा जाए। अतिशय अज्ञान और परम ज्ञानी उपाय उपासना करती नहीं। नर पशुगण अज्ञान बोली उपासना करती नहीं। आउ जीवन मुक्त पुरुषगण सर्वदा आत्मा मध्य परमात्मा को अनुभव करुछंती बोली सेमानंकर आउ स्वतंत्र उपासनार प्रयोजन हुए नहीं। जो व्यक्ति एही दुई चूड़ांत भावर मध्य अवस्था अवस्थित अथच कहे मु भगवान को मनुष्य रूप से पूजा करने को इच्छा करे नहीं से व्यक्ति को टिकिए विशेष जत्नर सहित तत्वावधान करिबा आवश्यक। ताहा प्रति कठोरतार भाषा प्रयोग न कले ताकु प्रलापभाषी बोली कहिबाकु हेबो। ताहार धर्म विकृत मस्तिष्क और मस्तिष्कहीन मानंग पई उपयुक्त। भगवान मनुष्यर दुर्बलता बुझंती एवं मनुष्यर हित पई मनुष्य रूप से अवतीर्ण होंती। जेते बेले धर्मर ग्लानी और अधर्मर अभ्युत्थान हुए सेते बेले मु आपणा को सृजन करिथाय। साधु मानंकर रक्षा पापी मानंकर दुष्कृति नाश और धर्म संस्थापन निमित्त मु जुगे जुगे जन्म ग्रहण करिथाय। अज्ञ व्यक्ति माने जगतर ईश्वर मोर प्रकृत स्वरूप न जानी मनुष्य रूपधारी मते उपहास करती। भगवान श्रीकृष्ण गीतारे अवतार सम्बन्धरे एही सकल कथा कहिछंती। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहिछंती जेतेबेले प्रबल बन्या से सेतेबेले समस्त क्षुद्र क्षुद्र नदी और तड़ाग निज निजर सीमा पर्यंत पूर्ण हो जाती। सेहीपरी जेतेबेले अवतार आसंती सेतेबेले जगत भितरे महान आध्यात्मिक तरंग उत्थित हुए। सेठाकार पवन रे
जेपरि धर्म भाव बहिबा को लागे। आमर परवर्ती विषय होची मंत्र, किंतु वर्तमान आमे एही महापुरुष और एही अवतार गण कथा न कही सिद्ध गुरु मानंग विषय आलोचना करिबा। सेमानंकु सचराचर मंत्र साहाज्यरे शिष्य मानंग भितरे आध्यात्मिक ज्ञानर बीज बपन करिबाकु हुए। एही मंत्र गुड़िक कौन? भारतीय दर्शन मतरे समुदाय जगत नाम रूपात्मक। एही क्षुद्र ब्रह्मांड स्वरूप मनुष्यर चित्त मध्यरे एपरी गोटे तरंग रही पारे नाही जहाँ नाम रूपात्मक नुहे। जदि यह सत्य हुए जे प्रकृति सर्वत्र एक नियमरे नियमित ताहेले एही नाम रूपात्मकता समुदाय ब्रह्मांडर नियम बोली कहिबाकु हेबो। जेपरी गोटे मृत्पिंड को जानिपारे आउ सकल मृतिका को मध्य जानी हुए, तद्रूप एही देहपिंड को जानिपारे विश्व ब्रह्मांड को मध्य जानी हुए। रूप जेपरी वस्तुर बाहर चमड़ा स्वरूप आउ नाम बा भाव जेपरी यार अंतर्निहित सस्य स्वरूप। शरीर रूप आउ मन बा अंतकरण नाम आउ बाक शक्तियुक्त प्राणी समूह मध्य नाम सहित एमानंग वाचक शब्द गुड़िकर गोटे अभेद्य जोग रही अछि। अथवा मनुष्य भितरे व्यष्टि महत बा चित्तरे एही चिंता तरंग गुड़िक उत्थित होई प्रथमे शब्द परे तदपेक्षा स्थूलतर आकार धारण करे। बृहत ब्रह्मांडरे मध्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ बा समष्टि महत प्रथमे आपणाकु नाम परे रूपाकारे अर्थात परिदृश्यमान जगत रूपरे अभिव्यक्त करती। व्यक्त इंद्रियग्राह्य जगत ही रूप, यह पछरे अनंत अव्यक्त स्फट रही। स्फट अर्थरे समुदाय जगतर अभिव्यक्तिर कारण शब्द ब्रह्म। समुदाय नाम अर्थात भावरे नित्य समवायी उपादान स्वरूप नित्य स्फट ही सही शक्ति जहाद्वारा भगवान यही जगत को सृजन करती। केवल से नुहे भगवान प्रथमे आपणा को स्फट रूपे परिणत करी परे अपेक्षाकृत स्थूल यही परिदृश्यमान जगत रूपरे विकसित करती। स्फटर एकमात्र वाचक शब्द मध्य अच्छी ओम। आउ कौनसी प्रकारे विश्लेषण द्वारा जेतेबेले आमे भावठारु शब्द को पृथक करिपारुनाही सेतेबेले यही ओंकार और नित्य स्फट मध्यरे नित्य संबंध वर्तमान। सुतरां अनायासरे मने करा जाई पारे समुदाय नाम रूपर जनक स्वरूप ओंकार रूपक यही पवित्रतम शब्दरु जगत सृष्ट होई। तेबे जदि कह जे शब्द और भाव नित्य संबंध अटे किंतु गोटे भावर वाचक अनंत शब्द थाईपे, सुतरां समुदाय जगतर अभिव्यक्तिर कारण स्वरूप भावर वाचक जे गोटे मात्र ओंकार ताहार कौनसी अर्थ ना। ए कथा कहिले आमर उत्तर यही जे ओंकार ही एही रूप सर्वभावव्यापी वाचक शब्द आउ कौनसी शब्द एतत्तुल्य नुहे। स्फट ही समुदाय भावर उपादान अथच यह कौनसी पूर्ण विकसित भाव नुहे, अर्थात विभिन्न भावगुड़िक मध्यरे परस्परर जो प्रभेद ताहा जदि दूर कर दि जाए ताहले एही स्फट ही अवशिष्ट रहिब। आउ जेतेबेले जे कौनसी वाचक शब्द द्वारा अव्यक्त स्फट को प्रकाश करिबाकु हेले एहा ताकु एते दूर विशिष्ट करि पकाए जे सेथिरे आउ स्फटत्व रहे नाही। सेतेबेले जेउ शब्द द्वारा या खूब अल्प परिमाणरे विशेष भावापन्न हुए एवं जहाँ यथासंभव यार स्वरूप प्रकाश करे ताहा ही यार सर्वापेक्षा प्रकृत वाचक ओंकार। केवल मात्र ओंकार ही एहिपरी कारण अ उ म एही तीनोटी अक्षर एकत्र ओम एहिपरी उच्चारित हेले यार सर्वप्रकार शब्दर साधारण वाचक होई पारे। अ
समुदाय शब्द मध्यरे सर्वापेक्षा अल्प विशेष भावापन्न। एही कारणरु श्रीकृष्ण गीतारे कहिछंती मो अक्षर मानक मध्यरे अकार आउ अन्य सबु स्पष्ट उच्चारित शब्द गुड़िक मुख गह्वर मध्यरे जिह्वा मूल ठारु आरंभ करी अष्ट पर्यंत स्पर्श करी उच्चारित हुए। अ कंठरु उच्चारित म शेष अष्टद शब्द आउ उ जिह्वा मूलरु जो शक्ति आरंभ हो अष्टरे शेष हुए से शक्ति जपरी गड़ी गड़ी जाइछि एही भाव प्रकाश करे। प्रकृत रूपे उच्चारित हेले एही ओंकार समुदाय शब्द उच्चारण व्यापारटीर सूचक आउ कौनसी शब्दर से शक्ति नाही। सुतरां एहा ही स्फटर ठीक उपयोगी वाचक एवं एही स्फट ही ओंकारर प्रकृत वाच्य आउ वाचक वाच्य ठारु पृथकीकृत होइपारे नाही। सुतरां एही ओं एवं स्फट गोटिए पदार्थ जेहेतु एही स्फट व्यक्त जगतर सूक्ष्मतम अंश बोली ईश्वरंकर खूब निकटवर्ती एवं ईश्वरीय ज्ञानर प्रथम प्रकाश से ही हेतु ओंकार ही ईश्वरंकर प्रकृत वाचक से ही एकमात्र अखंड सच्चिदानंद ब्रह्मंकु जेपरी अपूर्ण जीवात्मागण विशेष विशेष भावरे और विशेष विशेष गुणयुक्त रूपे चिंता करिपारंती से हीपरी तांकर देह रूप एही जगत और साधकर मनोभाव अनुजाई भिन्न रूप से चिंता करिवाकु हेबो। उपासकर मनरे जेतेबेले जेऊ तत्व प्रबल थाय सेतेबेले तहार सेही भाव ही उदित हुए। एहार फल एही जे एकमात्र ब्रह्म भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न गुण प्राधान्य रे दृष्ट हेबे आउ सेही एक जगत भिन्न भिन्न रूप से प्रतिभात हेबो। सर्वापेक्षा अल्प विशेष भावापन्न सार्वभौम वाचक ओंकार रे जेपरी वाच्य और वाचक घनिष्ठ संबंध रे संबंध तद्रूप एही वाच्य वाचकर अविच्छिन्न संबंध भगवानंकर और जगतर विशेष विशेष खंड भाव संबंध रे मध्य प्रयुज्य आउ एही समस्तंकर विशेष विशेष वाचक शब्द थिबा आवश्यक। महापुरुष मानंकर गभीर आध्यात्मिक अनुभूतिरु उत्थित एही वाचक शब्द समूह यथासंभव भगवान और जगतर एही विशेष विशेष खंड भाव को प्रकाश करती जेपरी ओंकार अखंड ब्रह्मवाचक अन्यान्य मंत्र गुड़िक मध्य से ही परम पुरुषंकर खंड भाव गुड़िकर वाचक। एही सब हेला भगवत ध्यान और प्रकृत ज्ञान लाभर सहाय। आमर परवर्ती विषय हेउची प्रतीक और प्रतिमा उपासना। एही थर प्रतीक उपासना और प्रतिमा पूजा विषय रे समालोचनार समय आसिला। प्रतीक अर्थ जे सब वस्तु अल्प बहुते ब्रह्मंग परिवर्ते उपासनार योग्य। प्रतीक रे भगवत उपासनार अर्थ कौन? भगवान रामानुज कहिछंती ब्रह्म नुहंती एपरि वस्तु रे ब्रह्म बुद्धि करी ब्रह्मंग अनुसंधान को प्रतीक उपासना कहा जाए। शंकराचार्य कहिछंती मन को ब्रह्म रूप से उपासना करिबा एहा आध्यात्मिक। आकाश ब्रह्म एहा आधिदैविक। मन आध्यात्मिक और प्रतीक आकाश बाह्य प्रतीक। एही उभय को ब्रह्मंग विनिमय रे उपासना करिबा को हेबो। एही परि आदित्य ही ब्रह्म एहा ही आदेश। जेउ लोक नाम को ब्रह्म रूप से उपासना करती इत्यादि स्थल रे प्रतीक उपासना संबंध रे संशय हुए। प्रतीक शब्दर अर्थ बाह्य दिग को जीवा आउ प्रतीक उपासना अर्थरे ब्रह्मंग परिवर्ते एपरी एक वस्तुर उपासना जहाँ एकांश रे अथवा अनेकांश रे ब्रह्मंकर खूब सन्निहित किंतु ब्रह्म नुहंती। श्रुति रे वर्णित प्रतीक परी पुराण तंत्र रे मध्य अनेक प्रतीकर वर्णना अछि। समुदाय पितृ उपासना और देव उपासना को एही प्रतीक उपासनार अंतर्भुक्त करा जाय पारे। वर्तमान कथा ही ईश्वर को एवं केवल ईश्वर को उपासनार नाम ही भक्ति। देव पितृ
अथवा अन्य कौनसी उपासना भक्ति शब्दवाच्य हो पारे ना। भिन्न भिन्न उपासना कर्मकांडर अंतर्भुक्त, यह उपासक को केवल कौनसी प्रकार स्वर्गभोग रूपक विशेष फल प्रदान करे, किंतु एथिरे भक्तिर उदय हुए ना, यह मुक्ति मध्य प्रसव करिपारे ना। सुतरां गोटिए कथा विशेष रूपे मन रखिबा आवश्यक, दार्शनिक दृष्टि रे परम ब्रह्मंग ठारु जगत कारणर उच्चतम धारणा आउ होई पारे ना। प्रतीक उपासक किंतु अनेक स्थल रे एही प्रतीक को ब्रह्मंग आसन रे बसाई तांको आपणार आत्मा स्वरूप चिंता करि पारंती, किंतु एपरि स्थले सेही उपासक को संपूर्ण लक्ष्यभ्रष्ट हेबाकु हेब। कारण प्रकृत प्रस्ताव रे कौनसी प्रतीक ही उपासकर आत्मा होई पारे ना, किंतु जेउठारे ब्रह्म उपास्य आ प्रतीक केवल तांकर प्रतिनिधि स्वरूप अथवा तांकर उद्दीपक कारण मात्र, अर्थात जेउठारे प्रतीकर सहायता रे सर्वव्यापी ब्रह्मंकर उपासना करा जाए, प्रतीक को प्रतीक मात्र न देखि जगत कारण रूपे चिंता करा हुए, सही ठारे एही परि उपासना विशेष उपकारी। केवल ताहा नुहे, प्रवर्तक मानंक पक्षरे यह संपूर्ण भावरे अनिवार्य। सुतरां जेतेबेले कौनसी देवता अथवा अन्य प्राणी को एही देवता अथवा प्राणी रूपरे उपासना करा जाए, सेतेबेले एपरि उपासना को गोटिए धर्म मात्र कहा जाय पारे। आउ एहा गोटिए विद्या बोली उपासक सेही विशेष विद्यार फल लाभ करिथाय। किंतु जेतेबेले कौनसी देवता बा अन्य प्राणी ब्रह्म रूपरे दृष्ट और उपासित हुंती, सेतेबेले ताहा ईश्वर उपासनार सहित तुल्य फल हुए। एथिरु बुझा जाए अनेक स्थल रे श्रुति स्मृति सर्वत्र कौनसी देवता बा महापुरुष अथवा अन्य कौनसी अलौकिक पुरुषंकर देवत्व प्रभृति भूली जाई सेमानंकु ब्रह्म रूपरे काहीकि उपासना करा जाए। अद्वैतवादी कहंती नाम रूप बाद देले सकल वस्तु कौन ब्रह्म नुहंती। विशिष्ट अद्वैतवादी कहंती सेही प्रभु कौन सकलर अंतरात्मा नुहंती। शंकर तांकर ब्रह्मसूत्र भाष्य रे कहिसंती आदित्य आदिंक उपासनार फल ब्रह्म ही दियंती, कारण से समस्तंकर अध्यक्ष। जेपरी प्रतिमा आदि रे विष्णु आदि दृष्टि आरोप करिवाकु हुए, सेहीपरि प्रतीकरे मध्य ब्रह्म दृष्टि आरोप करिवाकु हुए। सुतरां एठारे प्रकृत पक्षरे ब्रह्मंकर उपासना हेउछि बोली बुझिबाकु हेबो। प्रतीक सम्बन्धरे जेऊ सबु कथा कहागला प्रतिमा सम्बन्धरे मध्य से सबु कथा प्रयोज्य हेबो, अर्थात प्रतिमा जदि कौनसी देवता बा साधुंकर सूचक हुए ताहले सेपरि उपासना को भक्ति कहाजीव ना। सुतरां एथिरु मध्य मुक्तिलाभ हेबो ना, किंतु ताहा सेही एक ईश्वरंग सूचक हेले ताहार उपासनारे भक्ति मुक्ति उभय ही लाभ हुए। जगतर प्रधान प्रधान धर्मगुड़िक मध्यरे वेदांत बौद्ध धर्म और ख्रीष्ट धर्मर कौनसी कौनसी संप्रदायर प्रतिमा पूजा सम्बन्धरे किछि मात्र आपत्ति नाही, बरं सेमाने अबाधरे प्रतिमार सद्व्यवहार करिथांती। केवल मुसलमान और प्रोटेस्टांट धर्म एही सहायतार आवश्यकता स्वीकार करती ना, ताहले मध्य मुसलमान माने सेमानंकर साधु संत शहीद मानंकर कबर को एक भावरे प्रतिमा स्थान रे व्यवहार करिथांती। प्रोटेस्टांट माने धर्म रे बाह्य सहायतार आवश्यकता उड़ाई दे प्रतिदिन क्रमश उच्च आध्यात्मिक भावरु विच्युत हो पड़ुछंती। आउ आजिकाली खांटी प्रोटेस्टांट सहित केवल नीतिमात्रवादी अगस्त पंतेंक शिष्य और अज्ञवादी मानंकर कौनसी प्रभेद नाही। पुणी ख्रीष्ट बा मुसलमान धर्म रे प्रतिमा पूजार जेउटिक अवशिष्ट अछि सेही तक केवल ताहा जहिरे प्रतीक बा प्रतिमा मात्र उपासित हुए, अर्थात ब्रह्म दृष्टि सौकार्यार्थे नुहे। सुतरां एहा बेसी हेले कर्मकांडर अंतर्गत मात्र, अतएव एथिर मुक्ति बा भक्ति किछि मात्र लाभ होई पारे नाही।
ଏହିପରି ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ପ୍ରତିମା କବର ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦିର ଏହିପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୁତଳିକା ପୂଜା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ପାପକର୍ମ ନୁହେଁ ବା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ କର୍ମ ମାତ୍ର, ଉପାସକମାନେ ଏହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେତେ ମତ ସେତେ ପଥ। ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେହି ଏକ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ମାତ୍ର। ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ତୁମକୁ ଯେପରିକି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ପକାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମରେ ଯେପରି ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେଉଁ ଉପାସକ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ସେହି ନାମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଅ। ତୁମ ପ୍ରତି ଆତ୍ମାର ଏକାନ୍ତିକ ଅନୁରାଗ ଥିଲେ ତୁମକୁ ଡାକିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନାହିଁ। ତୁମ ନିକଟକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରାଗ ଜନ୍ମିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହାତେଜସ୍ୱୀ ଜ୍ୟୋତିର ତନୟଗଣଙ୍କୁ ଘୃଣା ନ କରନ୍ତି, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଦଶଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଲୋକ ଅତି ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମହା ଉଦାରତା ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଅପରର ଗୁଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ, ଅଥଚ ଗଭୀର ଭଗବତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପନ୍ନ। ସଚରାଚର ଦେଖାଯାଏ ଉଦାର ଭାବାପନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ହରାଇ ବସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଧର୍ମ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଉଭୟ ଭାବାପନ୍ନ କୌଣସି ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରି ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ଖୁବ୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗଣ ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଭକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତି ଅପର ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉପରେ ଘୃଣାରୂପ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ। ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗତ ପରମ ଉଦାର ଅଥଚ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପନ୍ନ ଜନଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲେ ଭାରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ଅଳ୍ପ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକାଳେ ସକାଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଜାଣୁ ଜଗତର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିପରି ଗଭୀରତା ଓ ଉଦାରତାର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ମେଳନ ରୂପ ଆଦର୍ଶରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଏହାର ଉପାୟ ଏହି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବଳ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ବୈଦାନ୍ତିକ ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ମନ୍ଦିରର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନବ ସମକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ରାଶି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେହି ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିକାଶ ମାତ୍ର। ପରମ କରୁଣା ପରବଶ ହୋଇ ବେଦାନ୍ତ ମୁମୁକ୍ଷୁ ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ଈଶ୍ୱର ତନୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନବୀୟ ଅବତାରଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଘଟଣାବଳୀ ପରି କଠିନ ପର୍ବତ କାଟି ବିଭିନ୍ନ ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପରିକି ଭବିଷ୍ୟତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସତ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ଧାମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମାନବାତ୍ମା ମାୟାଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ପଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ଘୃଣା ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ନିଷେଧ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେଦିନ ଗଛଟି ଛୋଟ ଥାଏ ସେତେଦିନ ତାକୁ ବାଡ଼ ଦେଇ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ।
अपक्व अवस्था रे एकाथरके नाना प्रकार भाव और आदर्श सम्मुखरे रखिले धर्म रूपक कमल लतिका मरीजीव। अनेक लोक धर्म रे उदार भाव नाम रे अनवरत भाव परिवर्तन करी निजर वृथा कौतूहल मात्र चरितार्थ करती। सेमानंक पक्षरे नूतन नूतन विषय शुणा जेपरी एक रोग एक प्रकार निशार महपरी छिड़ा हुए। सेमाने टिके सामयिक स्नायवीय उत्तेजना चाहती ताहा छाड़ीगले सेमाने आउ गोटे लगी प्रस्तुत हुंती। धर्म सेमानंक निकटरे अफिम निशापरी कार्य करे एवं से ही पर्यंत मध्य सेमानंकर सीमा। भगवान श्री रामकृष्ण कहंती समुद्र रे एक प्रकार सामुका अच्छी ता सदा सर्वदा आ करी जल उपरे भासु थाई किंतु स्वाति नक्षत्रर बिंदुए जल मुखरे पड़िले ताहा मुख बंद करी एका थरके जल गर्भकु चली जाए आउ उपरकु आसे नहीं। तत्व पिपासु विश्वासी साधक मध्य सेहिपरि गुरुमंत्र रूपक बिंदुए जल पाइले साधनार अगाध जलरे एका बेळके बुड़ी जाती आउ अन्य आड़कु अनाई देखती ना। यही उदाहरण रे इष्टनिष्ठा भावटी जेपरी हृदयस्पर्शी कवित्वर भाषा रे प्रस्फुटित होइछि आउ सेपरी केउठारे होइना। प्रवर्तकंकर एही एकनिष्ठा नथिले चलिबो नाही। हनुमान परी सेमानंकर जानिबा उचित जदिच लक्ष्मीपति और सीतापति परमात्मा रूपे अभेद तथापि कमल लोचन राम ही मोर सर्वस्व। अथवा साधु तुलसीदास जपरी कहिछंती समस्त संगरे बस समस्त संगरे आनंद कर समस्त नाम ग्रहण कर जे जहाँ कहुना कहीं समस्त को हाँ हाँ कर किंतु निजर भाव दृढ़ रख। सेमाने मध्य से ही आचार अवलंबन करिबा उचित। ताहले जदि भक्ति साधक अकपट हुंती तेबे गुरुदत्त से ही बीजमंत्रर प्रभाव रे पराभक्ति और परम ज्ञान रूपक सुबृहत बटबिटपी उत्पन्न हो शाखा पर शाखा और मूल पर मूल विस्तार कर धर्म रूप सुबृहत क्षेत्र को संपूर्ण रूपे आच्छादन करते प्रकृत भक्त देखिबे तांको निजर इष्ट देवता विभिन्न संप्रदाय मध्य विभिन्न नाम रे विभिन्न रूप से उपासित। आमर परवर्ती विषय होउछि भक्तिर साधन। भक्ति लाभर उपाय और साधन सम्बन्धरे भगवान रामानुज तांकर वेदांत भाष्य रे लिखिछन्ति विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद और अनुर्धसरु भक्ति लाभ हुए। विवेक अर्थरे रामानुजंक मतरे खाद्य विचार तांक मतरे खाद्य द्रव्यर अशुद्धि कारण तीनोटी। प्रथम जाति दोष अर्थात खाद्यर प्रकृतिगत दोष यथा रसुण प्याज प्रभृति स्वभावत असुचि खाद्यर जे दोष। द्वितीय आश्रय दोष अर्थात पतित और अभिशप्त व्यक्तिर हस्तरे खाइले जे दोष। तृतीय निमित्त दोष अर्थात कौनसी असुचि वस्तुर यथा केश धूली आदि संस्पर्श जनित दोष। श्रुति कहती शुद्ध आहार कले चित्त शुद्ध हुए। चित्त शुद्ध हेले भगवान को सर्वदा स्मरण करी हुए। रामानुज छांदोग्य उपनिषद रु एही वाक्य उद्धृत करिसंती। खाद्य विचार भक्ति मार्ग अवलंबी गणों मतरे चिरकाल गोटे गुरुतर विषय बोली परिगणित होइछि। अनेक भक्त संप्रदाय ए विषयटी को अनेक रूपे अस्वाभाविक करि पकाइछंती सत्य किंतु एहा मध्यरे गोटे गुरुतर सत्य अंतर्निहित अछि। आमर मन रखिबा उचित सांख्य दर्शन मतरे सत्व रज तम एही तीन गुणर साम्यावस्था प्रकृति एवं एही तीनोटि गुण वैषम्य अवस्था प्राप्त हो जगत रूपे परिणत होती। सेमाने प्रकृतिर गुण और उपादान उभय सुतरां से ही सकल उपादान द्वारा समुदाय नरदेह निर्मित। एमानंक मध्यरे
सत्व पदार्थर प्राधान्य ही आध्यात्मिक उन्नति पक्ष अत्यावश्यक। आमे आहार द्वारा शरीर भितर जो उपादान ग्रहण करू से आम मानकर मानसिक गठन में अनेक साहाज्य हुए। सुतरा आम मान खाद्य खाद्य विषय में विशेष दृष्टि रखा हे कि अन्न्य विषय शिष्य मैंने चिरकाल जपरी मतांधता करपरी आचार्य मान स्कंधे आरोपित न हुए। वास्तविक खाद्यर शुद्धि अशुद्धि विचार गौण मात्र पूर्व उद्धृत से ही वाक्यटी शंकर तांगर उपनिषद भाष्य अन्य प्रकार व्याख्या करिछंती। वाक्यस्थ आहार शब्दटी जहाँ सचराचर खाद्य अर्थरे गृहीत होइथाय ताहा से अन्य अर्थरे व्याख्या करिछंती। तांग मतरे जहाँ आहृत हुए ताहा ही आहार। शब्दादि विषयर ज्ञान भक्तार अर्थात आत्मार उपभोग निमित्त भितर आहृत हुए। यह विषय अनुभूति रूपक ज्ञानर शुद्धि को आहार शुद्धि कह जाए। सुतरा आहार शुद्धि अर्थरे आसक्ति देश बा महाशून्य हो बेकर ज्ञान आहरण। सुतरा यही प्रकार ज्ञान बा आहार शुद्ध हेले एहिपरि व्यक्तिर सत्व अर्थात अंतरिंद्रिय शुद्ध होइजिव। सत्व शुद्धि हेले अनंत पुरुषंकर यथार्थ स्वरूप ज्ञान और अविच्छिन्न स्मृति आसीब। ए दुईटी व्याख्या आपात विरोधी बोली मन हेले मध्य उभय ही सत्य और प्रयोजनीय। सूक्ष्म शरीर बा मनर संयम मांसपिंडमय स्थूल शरीर संयम ठारु उच्चतर कार्य सत्य। किंतु सूक्ष्मर संयम करिवा को हेले आगो स्थूलर संयम करिवा विशेष आवश्यक। अतएव प्रवर्तक पक्षरे तांगर गुरु परंपरा रे आहार संबंधे जो सकल नियम प्रचलित अछि से गुड़िक पालन करिवा आवश्यक। किंतु आजिकाली आम मानंकर अनेक संप्रदाय रे एही आहार आदिर विचार रे एते अधिक विभ्राट एते अर्थहीन नियमर धराबंधा ए विषय रे एते मतांधता जे सेमाने जेपरि धर्मटिको पाकशाला भितर रखिछन्ति केबे जे सही धर्मर महान सत्य समूह सेठारु बाहरी आसी आध्यात्मिकतार सूर्यालोक उद्भासित हेब तहार कौनसी निश्चयता नाही। एपरि धर्म एक विशेष प्रकार खांटि जड़वाद मात्र ताहा ज्ञान नुहे भक्ति नुहे कर्म मध्य नुहे एहा एक विशेष प्रकार बातुड़ता मात्र। जो माने ए खाद्य खाद्य विचार को जीवन सार कार्य बोली स्थिर करछंती ब्रह्मलोक को गति न होई बातुड़ालय को ही गति अधिक संभव। सुतरा ए युक्ति सिद्ध बोध होउछि जे खाद्य खाद्यर विचार मनर स्थिरता रूपक उच्च अवस्था लाभ निमित्त विशेष आवश्यक नतुबा सहजरे एही स्थिरता लाभ करा जाय नाही। तापरे विमक विमक अर्थरे इंद्रिय मानंकर विषय अभिमुखी गति निवारण और सेमानंकु संयत करि निज इच्छाधीन को आणिबा एवं एहा सकल धर्म साधनर भित्ति स्वरूप। तापरे अभ्यास अर्थात आत्मसंयम और आत्मत्यागर अभ्यास। परमात्मा को आमे आत्मा मध्यरे केते विचित्र रूप रे और केते गभीर भाव रे संभोग करि पारु तार कोन यता अछि। किंतु साधकर प्राणपण चेष्टा और प्रबल संयमर अभ्यास व्यतीत कदापि ताहा कार्य रे परिणत करा जाई पारे नाही। मन जेपरी सर्वदा से ही ईश्वरंक चिंता रे निविष्ट थाए प्रथमे प्रथमे यह अति कठिन बोध हुए किंतु अध्यवसाय सहकार चेष्टा करी करी एही चिंतार शक्ति क्रमश वर्धित हुए। श्रीकृष्ण गीतारे कहिछंती हे कौन्तेय अभ्यास और वैराग्य द्वारा यह लब्ध होइथाय। ताहापरे क्रिया अर्थात यज्ञ पंच महायज्ञर नियमित रूपे अनुष्ठान करिबाकु हेबो। कल्याण अर्थरे पवित्रता एवं एही पवित्रता रूपक एकमात्र भित्ति उपरे भक्ति प्रसाद प्रतिष्ठित। बाह्य शौच अथवा खाद्य खाद्य संबंधरे विचार एही उभय ही सहज।
किंतु अंतशुद्धि व्यतिरेके एमानंगर कौनसी मूल्य नहीं। रामानुज अंतशुद्धि लाभर उपाय स्वरूप निम्नलिखित गुणगुडिकर कथा वर्णना करिसंती। प्रथम सत्य, द्वितीय आर्जव सरलता, तृतीय दया निस्वार्थ परोपकार, चतुर्थ दान, पंचम अहिंसा कायमन वाक्यरे अपरकु हिंसा न करिबा, षष्ठ अनभिद्य परद्रव्यरे लोभ वृथा चिंता, अपरकृत अनिष्टाचरणर क्रमागत चिंता परित्याग। एही तालिका मध्यरे अहिंसा गुणटी सम्बन्धरे दुई चारिटी कथा कहिबा आवश्यक। सकल प्राणी सम्बन्धरे एही अहिंसा भाव अवलम्बन करिबाकु हेबो। केही केही जपरि मने करंती मनुष्य जाति प्रति अहिंसा भाव पोषण कले यथेष्ट, अन्यान्य प्राणी मानंकु हिंसा कले कौनसी क्षति नाही। अहिंसा वास्तविक ताहा नुहे। आउ केही केही जपरि कुकुर बिराडिंकु लाळन पाळन करंती बा पिपिलिका मानंकु चीनी खुआंती, किंतु निज भ्रातार गळा काटिबाकु द्विधा बोध करंती नाही। अहिंसा कहिले ताहाकु मध्य बुझाए नाही। एहा गोटिए विशेष लक्ष्य करिया विषय जे जगतरे जेते महत भाव अछि से गुडिक जदि देश काल पात्र विचार शून्य होई अंध भावरे अनुष्ठान करा जाय तेबे से गुडिक स्पष्ट दश रूपरे देखा देबो। केते उडिए धर्म संप्रदायर अपरिष्कार सन्यासी माने काले समानंक देहर पक मरिजिबे ए भयरे स्नान करन्ति नाही, किंतु सेथिपाई सेमानंक मनुष्य भाई मानंकु जे यथेष्ट अस्वस्ति ओ असुख भोग करिबाकु हे से दिगकु सेमानंकर मोटे दृष्टि नाही। तेबे एमाने वैदिक धर्मावलम्बी नुहंती। जदि देखा जाए कौनसी लोक भितरे ईर्षा भाव मोटे नाही तेबे बुझिबाकु हेबो ता भितर अहिंसा भाव प्रतिष्ठित होइछि। जे कौनसी लोक सामयिक उत्तेजना रे अथवा कौनसी प्रकार कुसंस्कार बा पुरोहित कुळर प्रेरणा रे कौनसी सत्कर्म अथवा दान करिपारे, किंतु जे यथार्थ लोकप्रेमिक से कहारी प्रति हेले ईर्षा भाव पोषण करंती नाही। जगतरे जेउ मानंगो सचराचर बड़ लोक बोली कहंती सेमाने सामान्य नाम जश बा दुईटी गोटे सामान्य स्वर्णखंड पाई परस्पर प्रति ईर्षान्वित होइथांती। जेते दिन जाय अंतररे एही ईर्षा भाव थाय सेते दिन अहिंसा सिद्धि बहु दूर। गजाति निरामिष भोजी मेष मध्य सेहीपरि, तेबे कौन सेमाने परम जगी परम अहिंसक। जे कौनसी मूर्ख इच्छा अनुसारे कौनसी विशेष खाद्य वर्जन करिपारे। उद्भिद भोजी जंतुगण जेपरि खाली एही उद्भिद भोजन निमित्त विशेष उन्नत पदवीरे आरूढ़ नुहंती, एमाने मध्य सेहीपरि खाद्य विशेषर त्याग गुणरु ज्ञानी होइजांती नाही। जेऊ व्यक्ति नित्य भावरे विधवा ओ अनाथ बालक बालिका मानंकु ठकी देई पारे, अर्थ पई जे कोनोसी अन्याय कार्य करिवाकु जहार दिधा नाही, से जदि केवल तृण भोजन करी जीवन धारण करे तथापि से पशुठारु मध्य अधम। जहार हृदय रे कदापि अपरर अनिष्ट चिंता पर्यंत उदित हुए नाही, जे केवल बंधुर नुहे परम शत्रुर सौभाग्यरे सुद्धा आनंदित, सारा जीवन शुक्र मांस खाइले हैं से प्रकृत भक्त प्रकृत जोगी से यथार्थरे समस्तंकर गुरु। सुतरां सर्वदा स्मरण रखिबा उचित जे बाह्य क्रियाकलाप केवल अंतशुद्धिर सहायक मात्र। जेउठारे बाह्य विषयरे एते टिकिनिखि विचार असंभव होई पड़े सेठारे केवल अंतशौज अवलम्बन ही यथेष्ट। से ही लोक को धिक से ही जाति को धिक जे लोक बा जाति धर्मर सारमर्म भूली जाई अभ्यास वशरु बाह्य अनुष्ठान गुड़ी को दृढ़ भाव धरी थाए कौनसी प्रकार छाड़ीबा को इच्छा करे नाही। जदि एही अनुष्ठान गुड़ी को आध्यात्मिक जीवनर विशेष सहायक हुए तेबे ए गुड़िकर उपयोगिता अछि बोली बुझिबा को हेबो। जेउगुड़िक प्राणशून्य आंतरिकताहीन से गुड़िक निर्दय भाव उत्पादन कर पकाइबाक हेब। अनवसाद बा बड़ भक्तिलाभर परवर्ती साधन। श्रुति कहती बड़हीन व्यक्ति ताहांको लाभ करिपारे नाही।
ଏଠାରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ୍ୟ ଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବଳିଷ୍ଠ ଦୃଢ଼ିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ। ଦୁର୍ବଳ ଶୀର୍ଣ୍ଣକାୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କି ସାଧନ କରିବ? ଶରୀର ଓ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ସମୂହ ଲୁକ୍କାୟିତ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିମାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାବେଳକେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯୁବା ସୁସ୍ଥକାୟ ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଶାରୀରିକ ବଳ ନଥିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ସବଳ ଦେହ ସିନା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ଅତଏବ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାହାଙ୍କର କାମନା ତାଙ୍କର ସବଳ ସୁସ୍ଥକାୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ହୁଏତ କୌଣସି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ନତୁବା ମନକୁ ଭୟାନକ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଇବେ। ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଭକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଲାଭରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବା ଉଚିତ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଆଦର୍ଶ ଧାର୍ମିକର ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ହସିବ ନାହିଁ, ତାହାର ମୁଖ ସର୍ବଦା ବିଷାଦ ମେଘ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଥିବ, ତାହାର ଗାଲ ପଶିଯିବା ଓ ମୁହଁ ଲମ୍ବା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଷ୍କ ଶରୀର ଓ ଲମ୍ବା ମୁଖ ଲୋକ ଡାକ୍ତର କବିରାଜଙ୍କର ଯତ୍ନର ବିଷୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅଧ୍ୟବସାୟଶୀଳ ହୋଇପାରେ। ଦୃଢ଼ଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି ସହସ୍ର ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯାଇପାରେ। ମାୟାର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଜାଲ ଭେଦ ରୂପକ ମହାକଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ମହାବୀରଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଆମଦରେ ମାତିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅତିରିକ୍ତ ହାସ୍ୟ କୌତୁକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷମ କରେ। ଏଥିରେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମୂହର ବୃଥା କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯେତେ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ନାନାବିଧ ଭାବାବେଗରେ ତାହା ସେତେ କମ୍ ବିଚଳିତ ହୁଏ। ଦୁଃଖଜନକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବ ଯେପରି ଖରାପ, ଅତିରିକ୍ତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ଯେତେବେଳେ ମନ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ଭବ। ଏହି ସକଳ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିଃ ହରି ଓଂ ତତ୍ସତ୍। ଭକ୍ତି ଜଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତୁ।